हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग का कोई स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। मैं सिर्फ देखूंगी कि क्या चल रहा है आपके लव लाइफ में, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके इमोशंस, जो भी दिखता है मैं बताऊंगी। लेकिन ध्यान रखना है कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइज। अभी भी मतलब 2019 से मैं रीडिंग कर रही हूँ और कुछ लोग अभी भी नहीं समझ पाते हैं जनरल रीडिंग क्या होती है, कलेक्टिव रीडिंग क्या होती है, टाइमलेस रीडिंग क्या होती है। वो फिर भी पूछते हैं आप डेट क्यों नहीं डालते रीडिंग की, आप सिर्फ लड़कियों के लिए रीडिंग करते हो, आप मैरिड के लिए ही रीडिंग करते हो। नहीं, मैरिड के लिए रीडिंग नहीं करती हूँ गाइज। मैं समझा समझा के थक चुकी हूँ कि एक टाइमलेस, कलेक्टिव और जेंडर रीडिंग, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, जनरल रीडिंग है। तो अब क्या ही बोलूँ मैं, तो मेरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है ये सब समझाने में। तो एनीवेज, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मुझे यहाँ पे कोई बहुत कंफ्यूज लग रहा है। मुझे ये ज़्यादातर आपकी एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप समझ ही नहीं पा रहे हो क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, या आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, या क्या आपका मूव होना चाहिए आगे। यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, मे बी आपने से कुछ लोग आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, बहुत फ्यूचरिस्टिक हो गए हो, ठीक है, बहुत क्लियर क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, अपने थॉट्स में। ज़्यादातर यहाँ पे लोग अपने करियर के बारे में सोचने लगे हैं, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने लगे हैं। चलिए देखते हैं कि क्या चल रहा है। फर्स्ट लेट सी के आपके पार्टनर के इमोशंस क्या है इस वक्त। दी हायरोफेंट और बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनके नज़रों में मतलब आप उनको कोई ऐरे गहरे नहीं लगते। आप उनको एक ऐसे पर्सन लगते हो जो जो उनका लाइफ पार्टनर बन सकता है। आप उन्हें एक ऐसे पर्सन लगते हो जो वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ पार्टनर बनो और आपसे उनकी शादी हो, आपके उनकी फैमिली हो। और दिस पर्सन वॉन्ट्स टू लॉक यू, लाइक वो आपको लॉक करना चाहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ हाउ डीप दिस पर्सन्स फीलिंग्स आर टूवर्ड्स यू। ये आप में हर गुण देखते हैं जो वो अपने पार्टनर में देखना चाहते थे हमेशा से ही, ठीक है। लेट्स सी मोर। द वर्ल्ड विथ टू ऑफ वॉन्ट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ वॉन्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है, अगर इस वक्त आपसे सेपरेशन में है, दूर है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, किसी भी तरह से, ये जो है ना, ये आपके पास आना चाहते थे, वॉन्ट टू रिकनेक्ट टू यू, ठीक है। वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं। बट एक डर देख रही हूँ मैं, ओके। ये डर हो सकता है आपसे फिर से जुड़ने का, ये डर हो सकता है कोई पास्ट एक्सपीरियंस का, ये डर हो सकता है कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो बहुत से डर लेकर ये पर्सन जी रहे हैं और दे नॉट एबल टू टेक दैट वेरी फर्स्ट स्टेप, पहला कदम नहीं उठा पा रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही ज़्यादा डरे हुए लग रहे हैं मुझे, स्पेशली एक्शन लेने को लेकर। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है और नाइन ऑफ कप्स है। मैंने बोला ना, आपकी तरफ बढ़ना ही इनका एक सबसे बड़ा फियर है। जैसे ये सोचते हैं आपकी तरफ आएंगे, ये डर जाते हैं। और डर इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में आपको धिक्कारा हो, पास्ट में उन्होंने आपको अपने आप से दूर करा हो, और यू नो, वो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है उनके अंदर। व्हेन एवर दे थिंक ऑफ कमिंग टुवर्ड्स यू, स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। आप भी अगर उनको मैसेज कॉल करोगे ना, वो डर जाएंगे हाउ टू रिएक्ट, यू नो, व्हाट टू से, व्हाट टू रिएक्ट, ठीक है। सो नहीं पाते हैं, बहुत एंग्शियस, बहुत स्ट्रेस्ड, सुपर स्ट्रेस्ड मुझे ये पर्सन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव डिवाइन, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए। आप मुझे लगता है टस से मस नहीं हो रहे हो, आप इस पर्सन को बिल्कुल भी चेज नहीं कर रहे हो, बिल्कुल भी आपने कुछ सोच लिया है और आप उस पर कायम हो, मैं ये ज़्यादा देख पा रही हूँ, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव, लेकिन हिम्मत जुटाए बैठे हैं, ठीक है। चाहे इन्होंने कितना ही बुरा बिहेवियर आपसे किया हो, चाहे आपके किसी बात से कितना ही हर्ट क्यों ना हुए हो, अपने अंदर हिम्मत लगा के, हिम्मत जुटा के बैठे हैं, अपने आप को हिम्मत दे रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। हो सकता है इनको पता है कि इन्होंने कितनी गलतियाँ करी है, कितना बुरा व्यवहार किया है, या कितना चीट किया है, जो भी बुरा इस पर्सन ने आपके साथ किया है। दे एक्सेप्टेड, दे रियलाइज इट, दे नो इट। ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इन्होंने क्या गलत किया है, ठीक है। मुझे यहाँ पे सच में ऐसा लग रहा है, आप में से कुछ लोग इस पर्सन से दूर भाग रहे हो या दूर जाना चाहते हो। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहते हो और कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते हो। इट्स लाइक फॉर टाइम बीइंग, अभी के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, टू मच हो गया है, मुझे नहीं चाहिए, यू नो, मैं नहीं सह सकता। कर्मा एंड द मजिशियन, यस, मुझे ऐसा लगता है कि
ये पर्सन ना अपने आप को इतना होशियार समझते हैं, अपने आप को इतना बड़ा मैनिपुलेटर मानते हैं कि इनको लगता है कि ये कर्मा से बच जाएंगे, जो इन्होंने बुरा आपसे किया है या जो भी गलतियाँ करी है, कोई भी कोई भी, चाहे आपको चीट किया हो, आपसे झूठ बोला हो, आपको आपका दिल दुखाया हो, आपको रुलाया हो, जो भी किया हो आपके साथ, दे थिंक कि वो बच सकते हैं। लेकिन द रियलिटी है, इस कर्मा से कोई नहीं बच सकता। उनको लगता है वो बहुत बड़े जादूगर है और वो अपने आप को इस सिचुएशन से बचा सकते हैं, बट दे कांट। ठीक है, कर्मा से कोई नहीं बचता, कितना बड़ा इंसान, कितना बड़ा तीसमार खान क्यों ना हो। ठीक है, मुझे लगता है ये पर्सन, अब देखो इनके पास आप नहीं हो, जैसे पहले रिश्ता था आप दोनों का वैसा नहीं है, तो जितना बचा है उसको संभाल के रखने की कोशिशें जारी है, अपने आप को जैसे हो सके वैसे खुश रखने की कोशिश करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके पास ज़्यादा कुछ नहीं है अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन जो कुछ भी बचा कुचा है ये उससे खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इस पर्सन के फ्यूचर एनर्जीज क्या होगी, आने वाले समय में ये पर्सन क्या महसूस करेंगे। डेफिनेटली हार्ट ब्रोकन फील करेंगे, आपको बहुत मिस करेंगे, ये तो मैं सब कुछ क्लियरली देख रही हूँ। यहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द एम्प्रेस। देखिए, आने वाले समय में ये पर्सन आपको लेकर बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको खोने का डर इनके अंदर मैं देख रही हूँ। कहीं मैं उसे खो ना दूँ, कहीं वो मुझसे मूव ऑन ना हो जाए, कहीं उसे कोई और ना मिल जाए, ये डर सारे मैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, अभी उतना डर नहीं रहे होंगे उस लेवल पे, लेकिन आगे फ्यूचर में मुझे बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर, बहुत ज़्यादा टेंशन, चिंता करते हुए कि कहीं आपको वो खो ना दे। ठीक है, वो डर मैं उनके अंदर देख रही हूँ फ्यूचर में, आने वाले समय में। येस, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ कप्स। हो सकता है कि देखो, कई बार क्या होता है ना कि हम किसी को प्यार दे रहे हैं और उनसे प्यार की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन तब वो हमें निग्लेक्ट करते हैं, तब वो हमें प्यार नहीं देना चाहते और ना तो वो हमारा प्यार चाहते हैं, फिर वो हमें छोड़ देते हैं या हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, प्यार एक्सप्रेस नहीं करते, प्यार नहीं देते हमें। और जब हम उन्हें प्यार देना छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं, तब उन्हें याद आते हैं हम, तब वो फिर हमें हमारे पीछे पीछे करते हैं, हमें मनाने की समझाने की कोशिश करते हैं, तब हमें वो रिश्ता नहीं चाहिए होता है। एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग विथ योर पर्सन। अब जब आपको नहीं चाहिए या फ्यूचर में अब जब आप उनसे दूर भागोगे, मे बी आप सबक सिखाना चाहते हो या मे बी सच में आप गिव अप कर चुके हो, तब ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन फील करेंगे। अगर आप अपनी फीलिंग्स नहीं शो करते हो या आप उनकी फीलिंग्स नहीं समझते हो, दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक देयर हार्ट। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, टेन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू, आप भी चाहते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं चाहते हो, ये पर्सन तो बहुत ही ज़्यादा चाहते हैं। अभी तो ये चाहते ही है करंट एनर्जी में आपसे शादी करना, आपके साथ फैमिली बनाना, लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहना, लेकिन फ्यूचर में भी मैं यही एनर्जीज कंटिन्यू देख रही हूँ। अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं कि नहीं, घर वाले ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये सिर्फ प्यार के बारे में सोचेंगे। लव इज़ इम्पॉर्टेंट, और तो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और इनको लगता है कि आप परफेक्ट हो एज देयर लाइफ पार्टनर। ठीक है, खुश रहोगे आप दोनों एक दूसरे के साथ, ऐसा ये पर्सन फील करने वाले हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि मे बी ये पर्सन अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे एंड फिर भी इट विल नॉट बी इनफ, मे बी आप फिर भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, मे बी आप एक्स्ट्रा चाहोगे कुछ और, ज़्यादा हो कुछ, एंड ये पर्सन उतना कुछ दे नहीं पाएंगे आपको, एंड दैट इज़ गोइंग टू हर्ट दिस पर्सन। ठीक है, इनको नहीं अच्छा लगेगा जब आपके एफर्ट्स, उनके एफर्ट्स कम पड़ जाएंगे। ठीक है, and they will feel stuck, okay? Ten of Wands and bottom of the deck में the moon है। देखिए, इस इंसान को एक टाइम तो ऐसा आएगा जहाँ पर आपकी निग्लेक्शन या आपकी रिजेक्शन झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि डिज़र्व करते हैं आपकी निग्लेक्ट झेलना, आपका रिजेक्शन झेलना, क्योंकि एक टाइम आपने चुपचाप झेला इस पर्सन का रिजेक्शन, इनका जो भी इन्होंने किया आपके साथ बुरा भला आपने सहा, एंड नाउ इट्स देयर टर्न टू फेस द रिजेक्शन, ओके? एंड यहाँ पे और जो है एट ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में टू ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग हैं जो इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे, ओके? अब हो सकता है आप सच में रिजेक्ट कर रहे हो, आगे बढ़ना चाहते हो, या आप दिखाना चाहते हो उस पर्सन को कि देखो यार, मैं भी तुम्हें रिजेक्ट कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, या तो सी ईदर ऑफ द टू, या फिर ये पर्सन ही अपने कन्फ्यूजन के चलते मूव ऑन करना ट्राई कर सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन हो नहीं पाएगा, दे विल स्टिल बी इन देयर थॉट्स अबाउट यू। देखते हैं फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे इस पर्सन के।
फ्यूचर एक्शंस क्या होंगे इस पर्सन के आपको लेकर। यहाँ पे है फाइव ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में जा रहे हैं। देखिए ये पर्सन खुद दुखी नहीं रहना चाहते, ना तो आपको दुखी रखना चाहते हैं, और इनको पता है जब तक मैं बात आगे नहीं बढ़ाऊँगी या बढ़ाऊँगा, ऐसे ही बैठे रहूँगा हाथ पे हाथ धरे, तो मैं भी सैड रहूँगा, सामने वाला भी दुखी रहेगा, और वो नहीं चाहते कोई भी दुखी रहे। दे वॉन्ट यू बोथ टू बी हैप्पी। तो ये पर्सन का एक किक देगा इस पर्सन को इनका खुद का अकेलापन, सैडनेस, ठीक है, और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे विथ फुल एनर्जी। मैं ये भी देख रही हूँ कि टेन ऑफ स्वर्ड्स है विद द व्हील ऑफ द ईयर। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे डेफिनेटली जो लोग सेपरेशन में है इस वक्त, फ्यूचर में मुझे वो सेपरेशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, और एक न्यू बिगनिंग होते हुए दिख रही है, एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। आई सी यू गाइज कमिंग टुगेदर। और ये टेन ऑफ स्वर्ड्स विच इज़ अस एंडिंग, मुझे ये बदलती हुई दिख रही है सिचुएशन फॉर द बेटर, ठीक है। वॉट मोर डूइंग है, मतलब ये पर्सन खुद सिचुएशन चेंज करेंगे, खुद ये एंडिंग को एक बिगनिंग में बदलेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम ऑफ द डेक में सेवन ऑफ कप्स। हाँ, एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि इनके लाइफ में प्रायोरिटी रखती है, वो है इनका करियर। हो सकता है ये करियर और आपके बीच थोड़ा सा कंफ्यूज हो कि मैं किसे चुनूँ, मैं करियर चुनूँ या मैं इस पर्सन को चुनूँ, और थोड़ा सा उस मामले में उस वो डिसीजन थोड़ा डिसीजन उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, जब उनको अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ बैलेंस करनी होगी या कोई एक चुनना होगा उन्हें किसी एक को, तो दैट विल बी अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर दिस पर्सन, बट वो चुन लेंगे। देर लास्ट डिसीजन और देर लास्ट चॉइस विल बी आप ही होंगे। सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कॉमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।